भारतीय संस्कृति में डूबी हुई ये तस्वीरें गवाह हैं कि भारत के संविधान में बसती है भारत की आत्मा। संविधान राष्ट्र जीवन की गति का मुख्य दिग्सूचक है। भूमि, जन और शासन से ही राष्ट्र नहीं बनते। जाति, मजहब, राजनीति और क्षेत्रीय आग्रह समाज तोड़ते हैं, संस्कृति ही इन्हें जोड़ती है। भारतीय संविधान निर्माता सनातन सांस्कृतिक क्षमता से परिचित थे। उन्होंने संविधान की हस्तलिखित प्रति में सांस्कृतिक राष्ट्रभाव वाले 23 चित्र सम्मिलित किए। भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ पर श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीर है, तो वहीं भाग एक में सिंधु सभ्यता की स्मृति वाले मोहिंजोदड़ो काल की मुहरों के चित्र हैं। भाग दो यानी नागरिकता वाले अंश में वैदिक काल के गुरुकुल आश्रम का दिव्य चित्र अंकित है। भाग तीन मौलिक अधिकार वाले पृष्ठ पर श्री राम की लंका विजय की तस्वीर अंकित है, यानी फंडामेंटल राइट का व्याख्यान है। वहां पर भगवान श्री राम हैं, जो किसी भेदभाव के बिना अपनी प्रजा के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्यान है, और इस पृष्ठ पर कृष्ण अर्जुन उपदेश वाले चित्र अंकित हैं, यानी जहां ड्यूटीज और कर्तव्य बोध की बात की गई है, वहां श्री कृष्ण का गीता उपदेश आपकी राज्य व्यवस्था का सारथी बन सकता है। भाग पांच में महात्मा बुद्ध, जो शांति उपदेश के साथ कर्तव्य बोध में भावनाओं में नहीं बहने का गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं, तो वहीं भाग छह में महावीर स्वामी की तस्वीर अहिंसक और प्रकृति के लिए आपके कर्तव्यों का बोध करवा रही है। भाग सात में सम्राट अशोक का चित्र है, जो अखंड भारत की विजय पताका लहरा रहा है। संविधान के भाग आठ में गुप्त काल, भाग नौ में विक्रमादित्य, भाग दस में नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत के शिक्षा, ज्ञान और वैभव के काल को दर्शा रहा है। भाग 11 में उड़ीसा का स्थापत्य है। भाग 12 में नटराज रूप में भगवान शिव, और भाग 13 में भागीरथ द्वारा गंगावतरण और शिव की जटाओं में गंगा की अविरल धारा का ठहराव दर्शाया गया है। संविधान के भाग 14 में मुगल कालीन युग है, तो उसके तुरंत बाद भाग 15 में भगवा ध्वज के साथ मुगलों के दांत खट्टे करने वाले महाराज छत्रपति शिवाजी और दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरें अंकित हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 में खूब लड़ी मर्दानी, झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर अंकित है। भाग 17 और 18 में क्रमशः गांधी जी की दांडी यात्रा और नोआखली दंगों में शांति मार्च को दर्शाया गया है। भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने एनआईए के साथ नजर आ रहे हैं, और भाग 20 में हिमालय, भाग 21 में भारत का समृद्ध रेगिस्तानी क्षेत्र, तो भाग 22 में लहराते हिंद महासागर की चित्रावली है। भारत का संविधान भारतीय संस्कृति को समाहित किए हुए चित्रों से सुसज्जित है, जो इसके भारतीय स्वरूप का परिचायक है।